गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बेबी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर मतलब कि टाइम हो रहा है नाइट मॉर्निंग का, और मैं यहाँ पर बिस्तर उठा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दी हुई बैठी हुई थी, तो ये सारे बिस्तर मुझे सेट करने होते हैं। और अभी क्या है ना, गर्मी गर्मी सी आ गई है, तो अभी मतलब कम्बल वम्बल ओढ़ने का वो नहीं लगता। और साथ ही साथ पता क्या है कि जो मतलब कि पंखा भी चलाना पड़ता है, मच्छर बहुत हो गए, बहुत बहुत मच्छर हो गए, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए पंखा भी चलाना पड़ता है और कंबल भी ओढ़ना पड़ता है। और अभी दो तीन दिन पहले तो मतलब सर्दी सी हो गई थी, तो सर्दी हो गई थी इसी वजह से फिर से कंबल निकला है। और यहाँ पर देखिए दीयू भी मतलब खड़ी होकर उधम मचा रही, डांस वगैरह कर रही है। मैं भी सेट करती जा रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और ये देखिए मैंने यहाँ पर जो पलंग वगैरह था वो सब हटा हटा के रख दिया है। और आपको स्पीड में दिख रही होगी क्योंकि स्पीड काफ़ी है। ये देखिए दीयू ने निप्पल लगा लिए निकाल कर। ये इसको पता नहीं क्या चूसने में और इसको है ना ऐसे दांत से करने में बड़ा मज़े आते हैं। अभी तो कभी मन होता तो निकाल देती, कभी मन होता तो नहीं निकालती, ऐसा ही है, उठा के लगा लेती है। अभी तो फिर हटा दी, फिर देखी फिर लगा के लेट गई। मतलब अभी मन होता है तो हटा दी, मन होता है तो निकालने, इस तरीके से इसको ज़रूर करनी होती है। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करती है। कभी बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, बहुत सारे नहीं लगाते इसी तरीके से। इसमें जो शहद आता है ना उसे पीने में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। सॉरी गाइस, मुझे कोल्ड हो गया है, ये सब मौसम चेंज हो रहा है ना। अभी दो तीन दिन पहले बारिश हो गई थी, इसके कारण से सर्दी सी बढ़ गई थी। अभी फिर से इतनी जोर से गर्मी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर देखिए अभी मॉर्निंग में इस तरह से मेरी शुरुआत होती है सुबह के टाइम पर। और अभी सुबह यानी 6 या 7 बज रहे होंगे और मैं काम वगैरह करना शुरू कर देती हूँ। देखिए झाड़ू मेरी लगना शुरू हो गई है। अभी बिस्तर वगैरह ठीक से सेट नहीं करे, पहले ये दिया लेट हुई है, मैंने नीचे नीचे सेट कर देती हूँ, फिर सारा काम जो किया है वो होता चला जाएगा एकदम से। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो झाड़ू है नीचे की वो लगाती जा रही हूँ। इतना बासा कूसा पहले निकाल देना चाहिए, तो बासा कूसा मैंने निकाल दी हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए सारा बासा कूसा निकल गया है। देन उसके बाद बाकी सारा काम है वो करेंगे हम लोग। मतलब बाकी क्या काम होता है, बर्तन वगैरह जो रात में वॉश करे होते हैं वो बर्तन मुझे है ना मतलब जगह पर लगाने होते हैं, सूख गए होते हैं ना, पानी निचुड़ गया होता है। और यहाँ पर मैं कुछ सुनती जा रही हूँ, तो मेरे है ना नेक बैंड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मतलब दूसरे फ़ोन में कुछ सुनती जा रही हूँ। स्पेशल टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं होता, ना तो वीडियोज़ देखने के लिए होता है। जब आप लोग किचन का काम कर रही थी तब मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ। तो देखिए ये चादर है ना मेरे हस्बैंड ने ओढ़ा था, तो वो मैं चादर यहाँ पर रखी हुई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर पीछे रख दे रही हूँ चादर वगैरह। और इसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह पूरी क्लीनिंग करती जा रही हूँ, बाकी सारा बाहर की तरफ मैं निकालती जा रही हूँ। और यही मेरी आज की मतलब कि सारा मतलब आज की वो है रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा जो झाड़ू वगैरह है वो लग गई थी, और दीयू भी बाहर चली गई थी, और किसी काम से पेस्ट वगैरह करने की मैं बोल रही थी। और पीछे जो बेड पर टॉफियाँ रखी हैं ना, ये इसके पापा लेकर आए हैं, तो ये टॉफियाँ इसको पसंद नहीं आई। जैसे कि प्रसाद में रेबड़ी टाइप आती ना, उस तरह का इसका टेस्ट है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही खाने में, इसी वजह से तो फिर मैंने यहाँ पर हटा दिया। और दीयू को बोल रही पेस्ट कर ले, बट सुनती रही है, बहुत ज़्यादा मतलब चिखवा के काम करती है आजकल, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगी है। और ये पीछे जो बच्चे रहते हैं ना उनके साथ खेलने में पूरे दिन मस्त रहती है, बट पूरे दिन खेलना भी ठीक नहीं है, ये टाइम वेस्ट होता है। हर काम का एक समय होता है, 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे खेलो, 1 घंटे ये करो वो करो, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दीयू टीवी भी चल गई, टीवी भी देखती जा रही है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए हम लोग वॉश बेसन पर आ गए हैं पेस्ट करने के लिए, पेस्ट वगैरह कर रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था। और ये जो अम्मा है वो अभी के टाइम यहाँ नहीं है, और जो मतलब कि यहाँ पर नहीं है, मतलब अपने क्या बोलते हैं वहाँ गई है, गांव गई है। और उसके बाद और जो दीदी थी उन्होंने तो दूसरा घर ले लिया, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर मैं वही है, मैंने सारी इधर की भी आंगन की झाड़ू वाड़ू लगा दी है, उसके बाद मैं पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। दीयू से बोल रही हूँ पेस्ट करने की, बट ये सुनती नहीं है, मेरी एक भी बात नहीं सुननी होती इसको। तो मैं पानी लेने गई हूँ जो कि मैंने गर्म किया था, और उसके बाद मैं यहाँ पर है ना अपने बालों को बांध रही हूँ, क्योंकि फिर बाल गीले हो जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं बालों को बांध रही हूँ, और मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, तो मैं सोचा बालों को बांध लेती हूँ, इस तरीके से ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यह देखिए मैंने बाल वगैरह है वो बांध लिए हैं। इसके बाद मैं जो मुझे आप मैंने परसों जो बोलने वाली वीडियो शूट की थी ना, उसी दिन के क्लिप है,
क्योंकि मैंने वीडियो डाली नहीं थी, आप लोगों को पता है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डाल रही हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो ज़्यादा शूट करती भी नहीं हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं मंदिर करके आ गई हूँ, बाकी सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मंदिर करके आ चुकी हूँ। तो देखिए मैंने साड़ी पहनी हुई है और यहाँ पर बना रही हूँ मैं उड़द की दाल। तो आटा वगैरह मेरा लग गया, आप लोग देख सकते हो उधर आटा रखा हुआ है, इधर मैं दाल बना रही हूँ उड़द की दाल। तो इसे बॉयल करने रख दूँगी। बॉयल करने के लिए क्या करूँगी, बस हल्दी और नमक डाल दूँगी और उसके बाद तड़का तो बाद में ही देना होता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी और नमक डाल दी, डालने के बाद बाकी मेरी जो दाल है वो गरम हो जाएगी। तो देखिए मैंने नमक यहाँ पर ऐड कर दिया है और अब मैं हल्दी ऐड कर दूँगी। तो यही मेरे आज का मतलब लंच होने वाला है, जो भी है सिंपल सा लंच। आई नो आप लोग बोलोगे, मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे चावल भी बनाना है, तो चावल बनाऊँगी मैं, चावल उड़द की दाल और रोटी और सलाद, यही चीज़ें होंगी। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए टोस्ट लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं हेल्थ मतलब कि इसमें भर रही थी, पापे बोलते हैं कोई रस्क बोलता है टोस्ट बोलते हैं, तो इसी तरीके से। और यहाँ पर देखिए दिया है ना मतलब कि मुझसे कहीं जाने की बोल रही थी, बाहर जाने की बोल रही थी, बाहर जाऊँगी मम्मी मैं, बाहर खेलने जाऊँगी मैं, तो क्या कहते हैं बाहर जाने की बोल रही थी, तो फिर क्या हुआ तो मैंने मना कर दी इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो टोस्ट हैं मैंने वो भर दिए हैं इस डिब्बे में, बस एक ही डिब्बे में आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते, थोड़े से ही निकलते हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मतलब कि टोस्ट वगैरह रख दिए हैं, उसके बाद मेरे चावल है तो चावल मैं निकाल ले रही हूँ। और ये हमें राशन में मिलते हैं, मतलब मुझे और मेरी बेटी को ऐसे 3-3 किलो चावल, 2-4 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ मिलते हैं, इस तरीके से निकलते हैं हम लोग को। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरी मतलब सास रख लेती हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा ही देती हैं, बाकी जो हमारा राशन कार्ड है वो सारा है ना मतलब मेरी मदर इन लॉ के नाम है, सभी कुछ मेरी सास के नाम है, हमें मतलब जितनी थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है तो मतलब कि उतना दे दिया जाता है हमें, और कभी कभी नहीं भी दिया जाता है क्या बोलूँ मैं। तो इस राशन कार्ड भी मेरा, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का, उन्हीं के मतलब कि कार्ड में मैं सोच रही हूँ अलग बनवाने के, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पड़ती है, हमें वैसे क्या कम ज़रूरत पड़े लेकिन ज़्यादा भी हमें मिल जाएगा तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें 1-1 किलो मांगने पड़ते हैं चावल गेहूँ, अपने ही हिस्से का हमें मांगना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे साड़ी भी चेंज करनी है, मैंने साड़ी अभी तक चेंज नहीं करी मंदिर से आने के बाद, बार बार रूम की झाड़ू लगानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। देखिए अभी मैंने टोस्ट वगैरह भरे हैं, उसमें ही मतलब कितना सारा मतलब वो गिर गया, चूरा गिर गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी है और मेरे जो टोस्ट वगैरह थे भर दिए, चावल मैंने ये धोकर और साफ करके उसमें कटोरे में रख दिया, तब तक फूल जाएंगे। तो क्या होता है ना फूल जाते तो फिर जल्दी बन जाते, 1-2 सीटी 1-1.5 सीटी में बन जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं जो कपड़े थे रात में वॉश करे थे वो कपड़े मैंने तुरंत घड़ी करके रख दिए हैं, और इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, पहन लिए हैं। और ये जो वीडियो थी ना वो एक दिन बाद की वीडियो, मैंने एक दिन में बीच में मैंने बोलने वाली वीडियो शूट करी थी तो फिर मैंने बनाई नहीं थी, इसलिए आप लोग बोलोगे कि मैं वही कपड़े पहनी हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में पहने थे, क्योंकि मैंने ये बीच में वीडियो नहीं बनाई थी तो इसलिए दूसरे दिन है। और दियो भी नहा लिया, आपको देख सकते हो तैयार है, मैं भी नहा ली हूँ। तो देख मैंने कपड़े साड़ी वाड़ी मतलब कि तय बना के मैं जगह पर रख दे रही हूँ, और उसके बाद सारा काम वगैरह है वो कर दूँगी। और तड़का भी लगाना है मुझे दाल में, साड़ी में तुरंत अलमारी में तय बना के रख देती हूँ, मेरी हैबिट है मैं मतलब रख देती हूँ, कभी कभी आलस कर जाती है तो ही रखती रहती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है घी, और जो कि घर का निकला हुआ घी है, हमारे यहाँ दाल में घी का ही तड़का लगाया जाता है, आप लोगों के यहाँ किसका लगाया जाता है कमेंट करके बताइए, मेरे यहाँ तो घी का ही लगाया जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल में से जब घी का तड़का लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर मैंने कट करे थे और हरी मिर्च मैंने कट करके रख ली थी तो इसीलिए वो भी रख दूँगी। आप चाहें तो छोटी वाली जो रई आती है, रई या राई, रई बोलते हैं शायद, वो डाल दीजिए, छोटी सरसों जैसे बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर देखिए 2 हरी मिर्च भी डाल दी है, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया, बट मेरे यहाँ जीरे का पसंद है इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड चिली, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसे चला लूँगी, और उसके बाद मेरा सारा जो भी तड़का वड़का है वो हो जाएगा। और ये देखिए मैंने चला लिया है तड़के, वैसे तो मैं उसी वाले तड़के दान में लगाने वाली थी बट वो
छोटा पड़ जाता, टमाटर उसमें अच्छी तरह बन नहीं पाते, इसलिए तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सूखी एक लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल दिया था। और इसको मैं चला लूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं नमक ऐड कर दूँगी, और ये एकदम मैश हो जाए तो अच्छी तरह से मतलब गल जाए, तब तक मैं इसे चलाती रहूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर चला लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी उड़द की दाल। तो देखिए बस ये मेरा तड़का लग चुका है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। बस यही मेरी आज का लंच होगा। आई नो आप लोगों को कुछ लोग बोलेंगे क्या, और कमेंट करके बोलते हैं ना कई लोग कि क्या मतलब कि करते हैं, और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है बट सरप्राइज़ है, आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। और बने रहिएगा, बहुत कुछ खास दिखाने वाली हूँ, जितना शूट हुआ उतना दिखा दूँगी क्योंकि मैं थी नहीं वहाँ पर, इसलिए तो एक गुड न्यूज़ है, वेट करिएगा। आज के ब्लॉग में नहीं बता रही, कल के ब्लॉग में देख लीजिएगा क्या गुड न्यूज़ है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए मेरी उड़द की दाल मैंने डाल दी है, और इसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी क्योंकि गाढ़ी हो गई थी इसलिए, और ये थोड़ा सा खदकने लगेगी यानी कि बबल्स वगैरह आने लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसमें धनिया डाल दूँगी, कसूरी मेथी डाल दूँगी, मैंने कसूरी मेथी नहीं डाली। और ये जो कुकर में दाल रह गई थी ना उसको मैं छुटा छुटा के डाल रही हूँ, कुकर में चिपकी हुई रह जाती है ना क्योंकि ये वैसा कुकर है मटके वाला, इसलिए और फ्लैट होता है तो थोड़ा सा निकल जाती है, फिर भी साइड में रह जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब खदक गई है, और इसके बाद मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। धनिए ख़राब से हो गए थे इसलिए, नहीं तो मैं धनिया डाल देते, सूख गए थे, ख़राब नहीं हुए थे, सूख गए थे, बट मैं डाल दूँगी बाद में क्योंकि एक दिन बाद ही ऐसे हो जाते हैं। फ्रिज लेना है ना, हमें फ्रिज अभी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर यही है। यहाँ पर ये दही रखा हुआ है एक साइड में कटोरी में, जो मैंने जमाने के लिए मंगाया था इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी दाल है वो बन के रेडी हो गई है, और अब मैं इसमें कसूरी जो कसूरी मेथी है वो डाल देती हूँ। आप कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि रेड रेड हो जाती है, दाल ज़्यादा रेड अच्छी भी नहीं लगती। पनीर वगैरह बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है बट ये अच्छी नहीं लगती। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डाल दूँगी कसूरी मेथी, देखिए मैंने डाल दी है और ये मेरी बनके रेडी हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट करें। तो चलिए मिलती हूँ कल न्यू वीडियो।